मैं डॉक्टर अंजु मित्तल, बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड, सिलेजनेला टेरिडोफाइट के बारे में हम मॉर्फोलॉजी के में पढ़ा था। आज हम उसकी एनाटॉमी आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें रूट, राइजोफोर, स्टेम और लीफ है। सबसे पहले रूट के बारे में, और ये जो रूट है इसमें जो ऊपर की इसकी त्वचा है वो एक सिंगल लेयर्ड है, और ये एपिडर्मिस और ये क्यूटिकल से ढकी हुई है, जिसके ऊपर रोम निकले हुए हैं या मूल रोम जिसे हम कहते हैं, ये मूल रोम है। और इसके जस्ट नीचे जिसमें कुछ थिक वॉल्ड सेल या हाइपोडर्मल सेल है, और ये स्केलरन काइमेटस दृढ़ ऊतक की बनी हुई होती है। दृढ़ ऊतक सेल्स के जस्ट नीचे कॉर्टिकल सेल पैरेन्काइमेटस मृदु ऊतक की ये बनी हुई होती है। और कॉर्टिक्स के सबसे अंदर की जो सेल्स हैं वो एंडोडर्मिस हैं, लेकिन एंडोडर्मिस बहुत क्लियर नहीं होती। और इसके बाद में इसमें 2 से 3 लेयर पेरिसाइकल या पेरिरम्ब पैरेन्काइमेटस की ये बनी हुई होती है। और पेरिरम्ब फ्लोएम की सेल्स इसके नीचे पाई जाती हैं, जो कि प्रोटोजाइला जिसमें फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब और पैरेन्काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट है। यहाँ पे कंपेनियन सेल नहीं होती। और जाइलम जड़ में मोनार्च और या प्रेटा आर्च, और यहाँ पर प्रोटोजाइलम की पोजीशन बाहर होती है, उसे एक सार्च या बाह्य आदिदारु कहते हैं। फ्लोएम जाइलम की चारों ओर एक वलय बनाता है। ये प्रोटोजाइलम जहाँ पे मौजूद है उस जगह पर ये नहीं होता, उसकी जगह उसके अलावा ये पूरा उसको कवर करता है। प्रोटोजाइलम की स्थिति अलग अलग स्पीशीज में अलग हो सकती है, और सिलेजनेला क्रूसियाना के अंदर मिसार्च कंडीशन देखने को मिलती है रूट के अंदर। ये रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसके बाद में राइजोफोर का इंटरनल स्ट्रक्चर रूट से सिमिलरिटी रखता है, केवल यहाँ पर रूट हेयर यहाँ पर ये प्रेजेंट नहीं होते, और ये इसके बाहर जो लेयर है सिमिलर एपिडर्मिस क्यूटिकल से ये ढकी हुई है, और यहाँ पर मूल रोम एब्सेंट है। और कॉर्टेक्स को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें अपर है दृढ़ ऊतक 2 से 3 लेयर, और इसके जस्ट नीचे ये मृदु ऊतक की बनी हुई होती है, और इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर नहीं है। और इसकी सबसे इनर मोस्ट लेयर कॉर्टेक्स की एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के नीचे वाली लेयर पेरिसाइकल पेरिरम है, और ये रम्ब को घेरे हुए होती है। और जाइलम यहाँ पर मोनार्च या मोनार्च और एक्सार्च या बाह्य आदिदारु है, और जाइलम फ्लोएम से घिरा हुआ है, और फ्लोएम में 40 कोशिकाएं व मृदु ऊतक है। तो राइजोफोर और रूट का स्ट्रक्चर बहुत कुछ करीब करीब सिमिलर है, एक जैसा ही होता है, केवल राइजोफोर पे रूट पर मूल रोम यहाँ पर अनुपस्थित होते हैं। स्टेम वायवीय संरचना जहाँ पर लीफी स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, और इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर
के बारे में हम बात कर रहे हैं, और स्टेम के टीएस में ये एक्टिनो स्टीलिक है, और ये डायर्च भी हो सकता है जनरली, और ये प्रोटोस्टील है, और यहाँ पे पित्त का अभाव होता है, और मोनोस्टीलिक से ये डायस्टीलिक कंडीशन पाई जाती है इसमें। और एपिडर्मिस, इसके सबसे अपर जो लेयर है वो एक सिंगल एपिडर्मिस लेयर जो चपटी है, और इसके ऊपर क्यूटिकल से ये ढकी हुई होती है, और इसकी जो नीचे की लेयर है हाइपोडर्मल लेयर वो थिक वॉल स्कैलन काइमेटस दृढ़ ऊतक की बनी हुई होती है। तो दो से चार लेयर है ये, और इसके नीचे वाली जो लेयर है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए इसे क्लोरन काइमेटस कहा गया है, और इसमें इंटर सेलुलर स्पेस भी इसमें मौजूद है, और इसमें वैस्कुलर बंडल जो कि सेंटर में प्रेजेंट है, इससे पहले कॉर्टिकल सेल्स जो एंडोडर्मिस के मॉडिफिकेशन से इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर बनता है इसमें, और ये जो सेल्स हैं एंडोडर्मिस की ये लंबवत हो जाती है, लंबी हो जाती है, और इनके बीच बीच में स्पेस बन जाता है, और अब ये एंडोडर्मिस को ट्राबिक्यूली कहते हैं, जिस पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स भी मौजूद है, और ये रेडियली इलॉन्गेटेड है, इनके बीच में एयर स्पेस है, और इनके इनर अंदर की ओर परिरम चपटी सेल परिरम की बनती है, और ये सवन उत्तक को घेरे हुए रहती है, और ये इनके पैरासाइकल के बाद में फ्लोएम सेप ट्यूब फ्लोएम पैरेन्काइमा के साथ में है, और ये फ्लोएम जाइलम को कवर किए हुए है, और ये प्रोटोस्टील जो है जिसमें जाइलम मोनोस्टीलिक कंडीशन पाई जाती है, सिलिजनेला मार्टेंसाई एंड सिलिजनेला क्राइसोर्नियोनियोजस एंड सिलिजनेला सिलेजिनॉइड्स, ये मोनोस्टीलिक कंडीशन है इसमें, एंड सिलिजनॉइड में एक्टिनोस्टीलिक है जिसमें 5 to 6 प्रोटोस्टीलिक इनके कॉर्नर्स पर है, और ये मोनोस्टीलिक है यानी कि एक स्टेम में एक ही स्टील है, लेकिन सिलिजनेला क्रूसियानी जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक स्टील की जगह दो स्टील दिखाई दे रहे हैं, और ये दो प्रोटोस्टील है इसमें, और जिसे हम डायस्टीलिक कहते हैं, एक स्टेम में दो स्टील का प्रेजेंट होना डायोस्टील, और जनरली मोनोस्टीलिक एंड और जहाँ पर एक ही स्टीलिक है जिसे मोनोस्टीलिक एंड डायस्टील, एक स्टील मोनोस्टीलिक और दो स्टील है डायस्टीलिक कंडीशन कहलाती है। और इसके लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर जिससे हम डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस में उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल डॉर्सी वेंट्रल, और इनके जो एपिडर्मिस है सबसे अपर लेयर वो एक कोशिकीय ही होती है, और उसके अंदर स्टोमेटा दोनों ही सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, और एपिडर्मिल सेल में भी यहाँ पे क्लोरोफिल या यहाँ पर इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और जिससे कि फोटोसिंथेसिस हो सके। अंदर की और इसके नीचे मीजोफिल सेल और स्पंजी सेल जो पतली भित्ती वाली होती है, और ये लूज होती है, और उनके बीच बीच में वायु के लिए एयर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, और इनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट है जो कि स्पिंडल शेप के या
अलग अलग वेरिएशन के क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर प्रेजेंट है, और स्टार्च ग्रेन यहाँ पर जो कि एज ए इनके बाद में स्पिंडल शेप बॉडी बनती है, जो कि बाद में ये स्टार्च ग्रीन इनमें कन्वर्ट हो जाता है, और ये पायरीनोइड्स की तरह ही है। और सवन उत्तक बिल्कुल सिंपल है, जिसमें बीच में जाइलम, ये प्रोटो और मेटाजाइलम में डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, और जिसमें चालनी कोशिकाएं और मृदुत्तक से बना फ्लोएम इसको कवर किए हुए रहता है। इसके अलावा इसके चारों तरफ एक सिंगल लेयर एक शीथ पाई जाती है, हार्ट या एक जो कि हार्ड सेल्स या लिग्निफाइड से बनी है, ये इसको स्ट्रक्चर को कवर किए हुए रहती है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में यहाँ पर हमने रूट, राइजोफोर एंड स्टेम और लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा।